आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए देखते हैं मंडे के लेवल्स क्या हो सकता है मार्केट में, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है और कौन से लेवल्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर हम देखें मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है। तो जैसे कि मैं आपको कह ही रहा था कि कोई भी मार्केट में जो डिप होगा वो एक अच्छा बाइंग के लिए ही होगा, और कोई भी अगर आपको डिप में अच्छा एक हैमर कैंडल मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग ले सकते हैं। और हैमर कैंडल की शॉर्ट्स मैंने दो तीन स्टॉक्स की बना के भी रखी हुई है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हैमर कैंडल पे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और मंडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसके नीचे जब ट्रेड करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, और मार्केट गैप डाउन ही वहीं पे हुआ और उसको थोड़ा सा उसने रिट्रेस किया और वहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। और यहाँ पे डाउन में हमें 5 मिनट्स की चार्ट में एक अच्छा हैमर कैंडल भी हमें देखने को मिला था, जैसे कि ये देखिए अब यहाँ पे हमें एक डाउन पे ये एक अच्छा हमें कैंडल देखने को मिला था हैमर। तो इस कैंडल के ऊपर जब भी क्लोज करता है मार्केट सपोर्ट एरिया के आसपास, तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से सेकेंड हाफ में हमें अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो अभी मंडे के दिन जो हम ट्रेड लेंगे वो हम मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देना शुरू करता है तो हम अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यहाँ तक की। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो ये ट्रेंड लाइन को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हो सकता है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी इस लेवल को 3 टाइम्स टेस्ट कर चुका है फ्राइडे वाले दिन, और यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें एक रीटेस्ट का वेट करना है और फिर ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जो सेल ऑफ हम देखेंगे वो इसके नीचे है, इसके नीचे भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, या अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी हमें एक पुल बैक बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉल सेलर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक भी मिला है। हो सकता है मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो इस लेवल को उसे ब्रेक करना होगा इस तरीके से, तो ये एक कंटिन्यूएशन में आ जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक पुल बैक के बाद फिर एक प्राइस एक्शन दिखाते हुए नीचे आ रहा है। तो हो सकता है अगर इस तरीके से आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वाले लेवल्स को भी ध्यान में रखना है काफ़ी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर ये हो सकता है यहाँ से प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो नीचे आ सकता है। फिर अगर नीचे आता है तो हम बहुत ही अच्छा हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है गैप डाउन होने के बाद। लेकिन जो वोलेटिलिटी एरिया है वो इस एरिया में होने वाला है, ये जो बीच का जो एरिया है वो एक वोलेटिलिटी एरिया होने वाला है। इसके बीच में ट्रेड करने का ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता है, स्टॉप लॉसेस हिट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मंडे के दिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 18,700 के ऊपर तो बाय हम कर सकते हैं, और शॉर्ट हम 18,630 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं वो भी प्राइस एक्शन देखने के बाद। तो इस तरह से हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं मंडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।